वहमतुल्लि वर्कम नाजरन इकराम आज मैं क़ारी अब्दुलमदीन फैजी आपके सामने ईदगाम में यरमलून का क़ायदा लेकर हाज़िर हुआ हूँ हमारे साथ स्टूडियो में दो तालब इलम मौजूद हैं अनस और यासिर इशा उम्मीद है कि आप भी इस दरस में दिल लगा कर शर्क होंगे हमारा आज का दरस है ईदगाम न शाखन का कायदा नंबर चार ईदगाम नाकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई भी हरफ आएगा तो ईदगाम होगा ईदगाम कहते हैं एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाकर मुशदत पढ़ना पहला हर्फ जो है उसको मुदगम कहते हैं और दूसरा हर्फ को मुदग़म फी कहते हैं यानी एक हर्फ को दूसरे हर्फ में जब मिलाकर पढ़ेंगे तो उसको ईदगाम कहते हैं छः हरूफ ऐसे हैं जो नून साकिन और तनवीन के बाद अगर आ जाएं तो उसमें ईदगाम होगा या रा मीम लम वाम की दो किस्में हैं पहली किस्म इदगाम बिला गन्ना यानी वो इदगाम जिसमें गुन्ना नहीं होता है उसके दो हरूफ हैं यामलून में से दो हर्फ निकाल जाएंगे लाम और रा तो इदगाम ईदगाम बिला गना के दो हरूफ हैं नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ लाम और रा इन दो हर्फों में से कोई भी हर्फ आएगा तो ऐसी सूरत में बगैर गन्ना के एदगाम पड़ेंगे उसको ईदगाम बिला गना कहते हैं इसको इदगाम ताम भी कहा जाता है मसलन मुहम रसूलुल्लाह रसूल असल में तनवीन है मुहम्मद उसके बाद रहा आया हुआ है इदगाम बिला गुन्ना का हुरूफ, इसलिए उसको वहाँ पर इदगाम करेंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे मुहमद रसूलुल्लाह आप पढ़िए अनस मोहम्मद आप पढ़िए मोहम्मद मोहम्मद हाँ। समझ में आया आपको मुहम्मद था है ना तनवीन है ना उस पर महम्मदुन नाजर काम आप भी शरीक हो आप भी ध्यान दें जो बताया जा रहा है महम्मदन था रा आने की वजह से नून तनवीन का जो नून उसमें मुदगम हो गया मिल गया रा के अंदर तो ईदगाम बिलागुन हो गया मुहम रसूलो दूसरी मिसाल है मुर रबी का यहाँ पर नून साकिन के बाद रा आया हुआ है इसलिए यहाँ पर भी ईदगाम बिलागुन होगा बग़ैर गुन्ना के एदगाम हुआ है मुर रबी का रहीम रऊफ असल में यहाँ पर तनवीन है उसके बाद रा है तो तनवीन के बाद रा आया हुआ है इसगाम बिलागन्ना का हल्फ है इसलिए यहाँ पर बग़ैर गुन्ना के एलगाम होगा रो उ तिर दया असल में ऐश रादिया है लेकिन यहाँ पर कायदा है तनवीन के बाद रा आया हुआ है इसगाम बिलागुन्ना का हल्फ है इसलिए यहाँ पर इसगाम बिलागन्ना होगा बग़ैर गन्ना के साथ एलगाम होगा ऐश आप पढ़िए अनसू फ अब दूसरे हर्ब की मिसाल है लाम की मिल दुल्हू मिल दुल्हू यहाँ पर नून साकिन के बाद लाम आया हुआ है दो हर्फ मैंने बताया था लाम और रब भी आएँगे नून साकिन और तनवीन के बाद तो इतगाम तो बिलागुन्ना होगा यानी बग़ैर गुन्ना के एसगाम होगा मिल दुल्हू यहाँ पर भी नून साकिन के, के बाद लाम, लाम आया है इसलिए यहाँ पर बग़ैर गुन्ना के एसगाम हो रहा है मिल दुल्हू कुल्लहू यहाँ पर तनवीन के बाद लाम आया हुआ है इसगाम बिला गुन्ना का हर्फ है इसलिए यहाँ पर भी इसमाम बिला गुन्ना होगा कुल्लहू यकुलहू असल में यकुल है नून साकिन के बाद लाम आया हुआ है इसलिए यहाँ पर भी ईदगाम गुन्ना होगा आप पढ़िए या, कुल... या, कुल्ला हु। या कुल्ला हु। हाँ, नून नहीं पढ़ेंगे ना इंदाम हो रहा है इसलिए नून को लबाद वाले हथ में मिला देंगे रिज कुम में के बाद लाम आया हुआ है दोनों में के बाद लाम लाम आया हुआ है, है है, जो इसलिए दोनों में ऐदगाम बिलागुनना होगा नून साकिन के बाद लाम आया हुआ है तो यहाँ पर भी ईदगाम बिलागुनना होगा अनस आप पढ़िए इसको समझ में आया ईदगाम बिलागुन्ना किसको कहते हैं दूसरा कायदा है ईदगाम बागन्ना नून साकिन और तनवीन के बाद वा या वाउ मीम नून यार मलूना में से दो हर्फ निकल गए लाम और रा ईदगाम बिला गन्ना के हर्फ हैं वो और ऐदगाम बा गन्ना के चार हर्फ हैं कुल मिला के छः हर्फ हो जाएंगे यार मलूना के छः हरफों में से दो हर्फ ऐगाम बिलागुन्ना का है और चार हर्फ ईदगाम बागुन्ना का तो अभी चार हर्फ जो एदगाम बागुन्ना होगा नून साकिन और तनवीन के बाद या वाउ मीम नून इसमें से कोई भी हर्फ आएगा ईदगाम को गुन्ना के साथ पढ़ेंगे और इसको ईदगाम नाक़ भी कहते हैं ध्यान रखना इसको जैसे अमल मी उमिन इन तीनों मिसालों में देखिए नून साइन के बाद यूमिन में से या आया हुआ है यह ईदगाम बागुलना का हर्फ है ईदगाम नाक़ का हर्फ है इसलिए यहाँ पर ईदगाम बागुलना होगा आप दोहराइए इसको शहबाश يومئذ يشاء आई मैकूलो यहाँ पर भी नून शाकिन के बाद यह आया हुआ है यूमिन में से वजू हुई तनवीन के बाद भी यहाँ या आया हुआ है आई ष यहाँ पर भी नून शाकिन के बाद यह आया हुआ है इसलिए यहाँ पर भी इसमाम बागुनना होगा <coughs> आप दोहराइए इसको बेटा मैकुल

इहबत इला हूँ तनवीन के बाद वाव आया हुआ है गाम बागुन्ना का हरफ है रहीम यहाँ पर भी तनवीन के बाद वाव आया हुआ है और इं वहबत यहाँ भी नून साकिन के बाद वाव आया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर इदगाम बागुन्ना का कायदा होगा अनस आप इस मिसाल को जोराइए दोहराइए वदूद। वदूद।

मऊ वीद इन तीनों मिसालों में देखिए नून साकिन के बाद वाओ तनवीन के बाद वाओ और नून साकिन के बाद वाव आया हुआ है इसलिए यहाँ पर भी ईदगाम बागुन्ना का कायदा है हाँ या सिर आप इसको दोहराइये म्यू शबाशा करो जन्नात में जन्नाती وعيون، من، مون، हाँ ध्यान रखना है नून नहीं पढ़ेंगे। नून को हम मिला दिए हैं वाओ में इन नून का एदगाम हो रहा है इसलिए मऊदा नाजरीन भी ध्यान देंगे इसको अच्छे तरीके से कायदे को समझ लेंगे तीसरा हर्फ है मीम तनविन और नून साकिन के बाद मीम ये हरफ यूमिन में का है इसलिए यहाँ पर भी बाना का होगा ईदगाम बागुन्ना की मिसाल रसूलोम दोनों मिसालों में तनवीन के बाद मीम आया हुआ है इसलिए दोनों में ईदगाम बागुन्ना होगा अनस आप दोहराइए इसको <coughs> mustaqima siratan mustaqima siratan mustaqima 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 amman amman yahan par ayn aur man hai to nun ko mim me mila gunna hoga idgham idgham gunna amman मितली ही यहाँ पर नून साकिन के बाद मितली ही में मीम आया हुआ है इसलिए यहाँ पर भी ईदगाम बागुन्ना होगा अनस आप दोहराइए इसको चौथा हर्फ है नून में योमिन यानी ईदगाम बागुन्ना का चौथा हर्फ नून है उसकी मिसाल देखेंगे मिन न यहाँ पर नून सागने के बाद नून है इसलिए यहाँ पर भी ईदगाम बागुनना होगा नूर यहाँ पर भी तनवीन के बाद नून आया हुआ ईदगाम बागुनना होगा मीन मै यहाँ पर ادغام बागुनना होगा नून ساکن के बाद नून है लिमन नूरी दू फन तीनों मिसालों में नून साकिन के बाद नून आया हुआ है इसलिए यहाँ पर भी इदगाम बागुन्ना होगा यहाँ पर हमको एक चीज़ तनवीन के कायदे में देखना चाहिए कि एक होता है नून कुतनी नून कुतनी हमसे वस्ल के नीचे छोटा सा एक नून लिखा होता है उसको जेर देकर पढ़ा जाता है उसे नून कतनी कहते हैं ये हमज़ वसल के नीचे हमेशा लिखा होता है छोटा सा नून उसको वसल में पढ़ा जाता है उसको नून कुतनी कहते हैं नून कुतनी कब होता है उसका क़ायदा क्या है तनवीन के बाद वाला हर्फ तनवीन के बाद वाला हर्फ अगर साकिन हो यानी दो साकिन एक जगह जमा हो क्यों कि तनवीन का नून साकिन होता है हमने पढ़ा है इसके पहले तादो ज़बर तन तो तनवीन का नून भी सान होता है उसके बाद अगर कोई साकिन हल्फ आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दो साकिन जमा हो गए अब दो साकिन जब एक जगह जमा होते हैं तो उसका पढ़ना मुमकिन नहीं है इसलिए अरबी का कायदा है कि पहले साकिन को जेर देकर पढ़ा जाता है यहाँ पर पहला साकिन तनवीन होता है इसलिए उसको उसका जो नून है तनवीन का उसको जेर देकर पढ़ेंगे उसको पढ़ने के लिए वहाँ पर छोटा सा नून लिख दिया जाता है ताकि पढ़ने वाले को परेशानी ना हो जैसे खायरन उसके बाद अल अलविया में लाम साकिन है और खायरन इसका नून भी साकिन है दोनों साकिन जमा हो गए तो खायरन का नून जो है हम तनवीन का जो नून है उसको ज़ेर देना है तो उसको ज़ेर देने के लिए वहाँ पर छोटा सा नून लिख दिया जाता है तो उसको फिर पढ़ने में आसानी हो जाती है खायरवसीयतु वसीयतु रन वसीयतु इसी तरीके से अहदन और अल्लाह अल्लासमद्लाहदूनद अल्लाह अल्लाह का लाम भी साकिन है और खैरुन अहदुन की दाल पर जो तनवीन है उसका भी नून साकिन तो दो साकिन जमा होने की सूरत में पहले साकिन को जेर दिया जाता है और पहले साकिन कौन सा होता है तनवीन का नून इसलिए वहाँ पर छोटा सा नून लिखा जाता है ताकि लोगों को पढ़ने में परेशानी ना हो लोग ग़लत ना पढ़ पाएँ तो अहद इसी तरीके से नू हबन हो नू हो निब और इस इसी तरीके से लू मुरसलीन मुरसलीन और अल मुरसलीन अल मुरसलीन का लाम साकिन लू का तनवीन साकिन तो पहले तनवीन जो है उसके नून को जेर दिया जाएगा लू मुरसलीन उसी तरीके से आदिन निलती आदिन और अल्ती अल्ली का नाम जो है मुशद है यानी मुशदत का पहला साकिन पढ़ा जाता है हमने इसके पहले देखा है तो आदन का जो तनवीन है उसका भी नून साकिन और अल्ली का नाम भी साकिन यानी पहले जो तनवीन का नून है उसको ज़ेर नहीं देंगे हम पढ़ नहीं सकते तो उसको छोटा सा नून लिख कर उस पर ज़ेर दिया जाता है उसको नूने कुतनी कहते हैं आदि निलती िल इसी तरीके से एक असिला सकता कहते हैं एक सबक है सकता सकता कहते हैं किसी कलमे के आखिर हर पर बग़ैर सांस तोड़े आवाज़ बंद कर देना बग़ैर सांस तोड़े हुए आवाज़ बंद कर देना सकता कहलाता है साँस और आवाज़ अगर हमने तोड़ दिया तो वक्फ़ हो जाएगा लेकिन सत्ता में आवाज़ बंद होगी सिर्फ़ सांस जारी रहेगी सांस नहीं टूटेगी तो सक्ता की तारीफ है किसी कलमा के आखिरी हर पर बग़ैर सांस तोड़े हुए आवाज़ बंद कर देना पूरे कुरान मजीद में इमाम हप्स की रिवायत के मुताबिक चार जगहों पर सत्ता वाजिब है इमाम हप्स जिनकी रिवायत हम पढ़ते हैं कुरान मजीद में उनकी रिवायत के मुताबिक पूरे कुरान में सिर्फ चार जगहों पर सक्ता वाजिब है सूरतलकहफ में सूरत यासिन में कियामा में और सूरतुलमफफिन में सूरत कहफ में अव क़यम अवा जन असल में था वहाँ पर उसके बाद आयत है उसके बाद करय तो वहाँ पर जब सकता करेंगे तो सक्ता में जो तनवीन है अवा की उसको अलिफ से बदल कर सकता करते हुए वहाँ पर सांस जारी रहते हुए आवाज़ बंद करेंगे सिर्फ और उसके बाद एक लिप के बराबर आवाज़ बंद रहेगी उसके बाद फौरन आगे बढ़ेंगे अज कई ध्यान देंगे उसको नाजरीन भी ध्यान देंगे सख्ता किस तरीके से करेंगे यहाँ पर देखा आपने जन में सकते में तनवीन दो जबर की तनवीन को अलिफ से बदल दिया जाता है और उसके बाद सख्ता किया जाता है उसी तरीके से सूरह यासीन में क़़़दीन इसके अलिफ पर सकता किया था इमाम हफ्स ने तो उनकी रिवायत में मरक़ीना के बाद हम सख्ता करेंगे उसके बाद हाजा पढ़ेंगे एक अलिप के बराबर आवाज़ रुकेगी सांस नहीं तोड़ेंगे इस बात का ध्यान रहे किसी जगह पर भी मर रीना हाद इसी तरीके से सूरतियाम में वन रोक मन के नून पर आवाज़ बंद कर देंगे सांस जारी रहेगी सांस नहीं टूटेगी उसके बाद एक के बराबर आवाज़ रुकेगी और उसके बाद पढ़ेंगे उसके बाद बल रौन सुरतुलमुफ़ीन में लाम बल के लाम पर सकता करेंगे यानी कि आवाज़ बंद होगी सांस नहीं टूटेगी एक सख्ते की मकदार है वहाँ पर सखते की मकदार एक अलिप की करते हुए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कल्ला बल रौन इस तरीके से चार जगहों पर इमाम हफ्स के मुताबिक सक्ता वाजिब है इसके बाद चंद कलिमात कुरान मजीद में ऐसे आए हुए हैं जिनको लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता उसको खत कहते हैं खत यानी लिखने का तरीक़ा कुरान पाक में बहुत सी जगह अलिफ वाओ या लिखे हुए हैं मगर पढ़े नहीं जाते उन पर निशान बना होता है उस निशान को देखते हुए हमको पढ़ना है इन स्क्रीन पे आप देखेंगे कि किस तरीके से हरूफ लिखे हुए हैं लेकिन पढ़ने में वो हरूफ नहीं आते हैं इसलिए उसको अच्छे तरीके से हम गौर करेंगे मिसाल के तौर पर आफा इमत आफा में अलिफ लिखा हुआ है कुरान मजीद में अलिफ लिखा हुआ है लेकिन उस पर निशान बना हुआ है इसलिए उसको हम आप स्क्रीन पर देखेंगे नीचे की जो शक्ल है उस तरीके से पढ़ना है ऊपर की शक्ल को नहीं पढ़ना है अगर हम उसको पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा माना बदल जाएगा इसलिए जगहों पर रस्म के मुताबिक हमको पढ़ना है उसको अगर निशान लगा है तो उस अलिफ को नहीं पढ़ना है उस वाओ को नहीं पढ़ना है उस या को नहीं पढ़ना है तो लई लल जहीम असल में अलिफ के साथ लिखा है ल इल जहीम इल जहीम लिखा है लेकिन अलिफ के ऊपर निशान है उसको उस निशान का मतलब यह है कि उसको नहीं पढ़ेंगे ल इल जहीम इस तरीके से पढ़ेंगे उसको अ तबू आ यहाँ पर अ तबू आ हमज़ा के बाद अलिफ लिखा हुआ है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता है तो इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे आबुआई नबा के बाद बा के बाद अलिफ लिखा है उसके बाद हमजा है तो अलिफ नहीं पढ़ेंगे नबा लिखा है लेकिन हम नबा ई बगैर अलिफ के पढ़ेंगे मला इही मला इही में बिल्कुल उसी तरीके से मला लिखा है तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे उस पर निशान बना हुआ है मला इही उाऊ लिखा है उसके बाद उस पर निशान बना हुआ है वाला के अलिब पर तो उसको नहीं पढ़ेंगे वाला अदाऊ इसी तरीके सद लिततलुआ लन्दवा इन तीनों हरफों में भी इन तीनों कलिमात में भी आखिर में अलिब लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ेंगे सामूद लीतलुआ लन्न दुआउा इस तरीके से पढ़ेंगे लिशई इन शीन के बाद अलिफ लिखा हुआ है लेकिन उसको अलिफ को नहीं पढ़ेंगे उस पर निशान बना हुआ है लिशा लिखा है लिशा इन अलिफ के साथ लिखा है अल्लाह लेकिन उसको लकिन बगैर अलिफ के सिर्फ ज़बर के साथ पढ़ेंगे इसी तरीके से ला बहन्ना लिखा है अलिफ के ऊपर निशान बना हुआ है ला अज नहीं पढ़ते हुए उसको लज इस तरीके से पढ़ेंगे जहीम इन तीनों में भी अलिफ के ऊपर निशान बना हुआ है इसलिए उसको भी नहीं पढ़ेंगे तब लुआ यहाँ पर वाव के बाद लिखा हुआ है लेकिन अलिफ के ऊपर निशान है इसलिए तब लुआ ज़बर के साथ सिर्फ पढ़ेंगे ल अशदु तुम अशदु तुम में ला के ऊपर ला के साथ अलिफ लिखा हुआ है लेकिन उस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे ला अन तुम लिखा है लेकिन उसको पढ़ेंगे ल तुम क्योंकि उसके ऊपर निशान बना हुआ है उसी तरीके से कौारी रभी कवारी रॉ इसमें भी अलिफ के ऊपर निशान है तो सिर्फ ज़बर के साथ पढ़ेंगे कवारी रला इहिम मला लिखा है अलिफ के साथ लेकिन उसको पढ़ेंगे मला क्योंकि अलिफ के ऊपर निशान बना हुआ है अना, मा अना।, अना का अलिफ जो है ये कभी नहीं पढ़ा जाता वस्ल की सूरत में जहाँ भी आना आएगा उसका अलिफ नहीं पढ़ा जाता ये आम बात है इसमें निशान नहीं बना रहता है अब अब तुम मूसा मूसा में देखेंगे खड़ा ज़बर के बाद या बनी हुई है उस या को नहीं पढ़ते हैं सिर्फ मूसा खड़ा ज़बर पढ़ते हैं उसी तरीके से ईसा ज़क़ा जक़ात में भी वाव लिखा हुआ है ज्यादा वाव जायद तो उसके बाद काप के ऊपर खड़ा ज़बर है तो उसको ज़क़ा वाव नहीं पढ़ा जाता जक़ात पढ़ेंगे अलिफ के साथ सिर्फ़ उसी तरह का सलात उसमें भी अलिफ के बाद जायद लिखा हुआ है उसको भी नहीं पढ़ेंगे सलात डायरेक्ट अलिफ के बाद ता पढ़ेंगे हयात उसी तरीके से हयात में भी वाव जायद है उसको भी नहीं पढ़ा जाएगा उसके ऊपर निशान नहीं है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाएगा खाली जो भी हरूफ खाली होंगे ना उन पर हरकत और सुकून होगा हो तो उसको भी नहीं पढ़ा जाता मशक्त इसके ऊपर भी काफ के ऊपर खड़ा ज़बर है और वाव जायद है इसलिए उसको भी नहीं पढ़ा जाता इन तमाम मिसालों में इस बात का ध्यान रहेगा कि जिस अलिफ वाओ और या के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है वा और या के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश और जज़म कुछ भी नहीं है तो उनको जायद्ररूप मान कर उनको नहीं पढ़ा जाता इस तरीके से ये रस्म कुरान मजीद में लिखा होता है इसलिए हमें अच्छे तरीके से उसको समझ के पढ़ना है कहीं ऐसा ना हो कि गलती हो निशानियों को हम देख लें यहाँ पर हमारा एपिसोड ये ख़त्म होता है इन अगले एपिसोड में हम इजरा के कवायद पढ़ेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज अल्ला व वरहमल समाज से बुराई मिटाने में आई प्लस टीवी की मदद करें अपना ताउन ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें